हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका वापस आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा वीडियो लेके। और अगर आप मेरे तरह काफी कंफ्यूज थे और अगर आप फेस शॉप के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हो तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि फेस शॉप के प्रोडक्ट्स की कितनी रेंजेस हैं। फॉर एन एग्जांपल, दे हैव राइस सेरामाइड रेंज, दे हैव यू नो ग्रीन टी रेंज एंड ग्रीन सीड रेंज, एंड दे हैव यू नो व्हाइट सीड रेंज, चिया सीड रेंज, बहुत सारा रेंज है। तो क्या होता है ना कि आपको भी पता है कि आप सारे प्रोडक्ट्स एक साथ खरीद के परचेज करके इट इज नॉट यू नो इकोनॉमिकली गुड कि आप सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर लो, उसके बाद सबको ट्राई करो और देखो अच्छा ये सूट कर रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है, ओके दिस इज गुड। तो ये आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड ऑप्शन। बट स्टिल अगर आप नायका पे देखोगे, अमेजोन पे देखोगे, तो इनके ऑलमोस्ट सारे रेंज के प्रोडक्ट्स के रिव्यू काफी अच्छे हैं। तो फिर कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला रेंज आपको सूट करेगा? या इन जनरल इट इज देयर लाइक ओके, अगर आपका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन है, तो आप ग्रीन टी वाले की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप चिया सीड की तरफ जा सकते हो, बिकॉज चिया सीड हैज प्रॉपर्टी यू नो टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू योर स्किन। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। बट स्टिल अब नाउ इफ आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ओके राइस सेरामाइड, बिकॉज दैट सूट्स टू बोथ स्किन टाइप। और जो सबसे अच्छी बात फेस शॉप के प्रोडक्ट्स के साथ है ना, ये मैक्सिमम जो रेंजेस है वो हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो एक बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल आपको कौन सा बहुत ज्यादा सूट करने वाला है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो मैंने इसका एक बहुत बढ़िया सा सोल्यूशन निकाला है रामबाण एकदम से, तो वो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैं आपको जो सोल्यूशन बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा वियर्ड है, बट इट्स एक्चुअली गुड एंड वर्थी। तो मैं बात कर रही हूँ, देखो these three ranges, okay, this one is rice ceramide, this one is you know their green natural seed and this one is chia seed. अब ये तीनों जो packages हैं, ऐसे तो आपको anyways इसके combo packs आते हैं face shop के, I will mention in description, आप वहां से भी उन combos में ये पा सकते हो। but इसके अलावा हमेशा ध्यान रखो कि जब नायका की सेल आती है या face shop की specific सेल आती है ना, उस टाइम पे हमेशा से ट्राई करो कि तभी प्रोडक्ट परचेज करो, क्योंकि इनके साथ क्या है ना, इनकी मैक्सिमम सेल में ऐसा होता है कि ये जो ट्रेवल पैक है ना, ये हमेशा ये लोग ना बाय लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ 999 एंड दे विल गिव यू दीज ट्रेवल पैक, सो दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रेवल पैक इनका एक्सपायरी कुछ पास में होता है, दे हैव अ गुड एक्सपायरी, क्योंकि मेरे पास सोचो अब जो प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपायरी 2022 है, एक का 23 है, तो दैट इज वेरी गुड, तो ये अच्छा रहता है। अब क्या है, मेरे पास ये तीनों के ट्रेवल पैक है छोटे छोटे, एनीवेज मुझे फ्री मिले। अब क्या है ना कि मैं इन सबको ट्राई करने वाली हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अभी स्टार्ट इससे किया है राइस सेरामाइड रेंज से, तो मैं इन सबको ट्राई करूंगी। अब मैं इसके बाद देखूंगी कि इन सब सारे प्रोडक्ट्स में मुझे कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है, और जो बहुत ज्यादा सूट करेगा उसका बड़ा पैक मैं खरीद लूंगी। तो स्पेसिफिकली आज मैं बात करने वाली हूँ राइस सेरामाइड रेंज के बारे में, बिकॉज मैंने सुना है एक्चुअली, आप अगर अभी आप ट्रेंड्स को देखते होगे तो राइस वाटर के बारे में बहुत ज्यादा मार्केट में बातें हैं कि ये बहुत अच्छे से स्किन पे असर करता है, तो दैट इज वाई आई थॉट टू स्टार्ट विद दिस। और मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो छोटा सा बॉक्स है उसकी पैकेजिंग कैसे है। सो इसका पैकेजिंग ऐसा होता है, ऐसे बॉक्स पे आता है। अब ये देखो, तो ये तीनों बहुत छोटे छोटे से प्रोडक्ट है, इसका जो क्वांटिटी है वो 10 ml फॉर एवरी प्रोडक्ट, सो दैट इज वेरी गुड। मतलब देखो, मेरा मानना ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन पे असर दिखाता है तो वो 2 weeks, 3 weeks मैक्स टू मैक्स आपको पता लग जाएगा कि दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू सूट यू और नॉट। सो उस हिसाब से अभी मैं आपको अगर बताऊंगी, मैं आपको आने वाले में ये प्रोडक्ट एटलीस्ट 21 days इट इज गोइंग टू लास्ट, ये बहुत अच्छी बात है। नाउ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट एवरी प्रोडक्ट, बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंग्रीडियंट्स दैट आर देयर इन दिस प्रोडक्ट। सो दे हैव सेरामाइड, दे हैव राइस ब्रान ऑयल, राइस एक्सट्रैक्ट। सो सेरामाइड इज नथिंग बट अ नेचुरल प्रोडक्ट दैट अकर इन अवर स्किन सेल्स दैट हेल्प अस टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस। सो सेरामाइड इज अ वेरी ग्रेट इंग्रीडियंट इफ यू आर एडिंग दिस टू एन स्पेसिफिक टोनर और मॉइस्चराइजर, बिकॉज अवर स्किन हैज अ टेंडेंसी टू लूज मॉइस्चर, दैट इज वाई वी हैव ड्राई स्किन एंड अवर स्किन फील्स वेरी डिहाइड्रेटेड।
So if you have ceramide, that is the very plus point in this product. And rice oil and rice extract, we know that it has the tendency to, you know, increase the softness of your skin. So yeah, initially I talk about first of all the product that is there. This one, this is toner. This toner is really very very hydrating, very lightweight. I'll just show you the texture. So see, it's very very lightweight. बहुत ही easily आपकी skin पे absorb भी हो जाएगा. आपको थोड़ा सा ही इसको rub करना पड़ेगा अपनी skin पे. इसको थोड़ा सा time दीजिए dry होने का, and you will see a little bit of shining after applying this product. अगर आप इसको overnight छोड़ते हो तो आपको seriously मैं बता रही हूँ, next day you are going to have that glow in your skin, because इसकी वजह से ना skin बहुत plump और बहुत soft feel करती है. So that is a very great thing about this. After that we have this moisturizing emulsion. This is not a moisturizer but not a toner, so it's in between. Its consistency is in between moisturizer and toner, and basically its main work is to, you know, hold water. So basically this, I'll show you the consistency of this product. So yeah, it has a cream based texture, that is correct. But this cream based texture is very very light, very very light. See, I have just rubbed it and you can see no product residues, you know, are there on your skin. So that is very light. और इसको लगाने के बाद काफी like just it absorbs. जो सबसे अच्छी बात है राइस सेरामाइड रेंज की is that it absorbs very very quickly, very very quickly. So the third product is their you know, moisturizer. So moisturizer, you can see it's pure white in color. And yeah, it has the same consistency as other moisturizers have. It's bit heavy on your skin, that I will say. So you can see definitely, मुझे इसको properly ऐसा मिलाने के बाद भी you're able to see correct. So some products, so you need little bit more efforts to, you know, distribute this product evenly on your skin. But once it's distributed, yeah, it's nice. Now I'll tell you this कि मैंने कौन सा product purchase किया है. So basically, मैं emulsion और moisturizer की अगर बात करती हूँ, तो if you have a dry skin, yeah, if you have a dry skin, you can definitely go with the emulsion and the moisturizer both. But if you have oily skin, I will suggest you to avoid emulsion and moisturizer, because I had breakouts when, specifically when I applied this moisturizer, I had several breakouts. So moisturizer तो मैं बिल्कुल suggest नहीं करूँगी. If you are a person जो कि काफी layers of skin care use करते हो, because I don't use, मुझे ऐसा लगता है I have a very sensitive oily skin, तो मैं कोशिश करती हूँ products जितने light हो मैं उतने light products अपने face पे use करूँ. So that is my personal consideration with respect to my स्किन. बट अगर आप मतलब आपका इससे ब्रेकआउट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ इमल्शन से, बट स्टिल आई विल स्किप इमल्शन, क्योंकि बट फॉर श्योर द प्रोडक्ट दैट आई हैव परचेज अ बिग पैकेज इज दिस वन. सो यू कैन डेफिनेटली सी दिस इज द टोनर, दिस इज लव. एक्चुअली इट्स अ वेरी लाइट, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग टोनर. तो टोनर तो मैंने पक्के से रिपर्चेज किया है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यू नो ट्राई दीज टू अदर रेंजेस आल्सो, एंड देन आई एम गोइंग टू डिसाइड लाइक विच प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू परचेज फ्रॉम दैट रेंज. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं फ्रॉम राइस सेरामाइड रेंज. एंड या इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, जस्ट you know, keep commenting. I'll try to answer all the questions. As in, I hope you have liked my video. अगर आपको मेरा ये video पसंद आया हो तो मेरे channel Stay Perfectly Imperfect को जरूर से subscribe करो, notification icon को भी press कर देना. And at last but not least, believe in the philosophy of loving yourself. Bye bye.